हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज आ चुके हैं हम लोग अटल ब्रिज। तो ओपनिंग के बाद मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया था, तो फाइनली आज हम देखेंगे अंदर से कैसा लगता है अटल ब्रिज। टिकट हमने ले ली है, पर पर्सन 30 रुपीज़ का चार्ज है। तो आज अंदर से एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए चलते हैं। पेडेस्ट्रियन ब्रिज का लुक बहुत ही अच्छा है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। खाने पीने के स्टॉल्स अवेलेबल है, ऐसे 2 स्टॉल्स अवेलेबल है यहाँ पे। इसके साथ साथ बैठने के लिए बेंचेस भी है, और संडे को बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है। लेकिन फिर भी मज़ा आता है, आपको यहाँ से पूरा रिवर फ्रंट का ये पूरा व्यू दिखता है। और इसके साथ साथ आपको बहुत मज़ा आता है, ये सीधा पूरा ओवर ब्रिज है, और ये कनेक्ट करता है यहाँ से लेके सीधा आपको फ्लावर पार्क की तरफ। तो आप एक बार ज़रूर आइएगा अगर आप चाहते हो तो। सैटरडे संडे में आ सकते हो, और वीकडेज में रश बहुत ही कम रहता है, तो आप वीकडेज में भी आ सकते हो। यहाँ की टिकट है 30 रुपीज़, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पे ज़रूर आइए। दोस्तों, जैसे हमने पहले बात की कि अगर मैं सामने की साइड जाऊंगा तो आएगा रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क, तो हम लोग वहां तक जाते हैं, देखते हैं। आप वहां से भी टिकट खरीद के सामने की साइड आ सकते हो, तो सिमिलर वे है दोनों साइड से। देखते हैं वहां जाके वहां पे कितना पब्लिक है। मेरे ख्याल से सिमिलर ही होना चाहिए, क्योंकि है संडे तो दोनों साइड से पब्लिक आ रही है।
दोस्तों मुझे निकलते निकलते शाम हो चुकी है और आप देख सकते हो लाइट्स भी शुरू हो चुकी है, तो आपको नाइट व्यू भी यहाँ का देखने का मौका मिलेगा आज वीडियो में। उसके साथ साथ संडे को अगर आप आते हो तो बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर्स वगैरह यहाँ पे आते रहते हैं। आप मेरे सामने एक डांसर देख सकते हो, वैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, तो संडे बहुत ही एंटरटेनिंग रहता है। हालांकि दूसरे दिनों में भी आप आ सकते हो, शायद क्राउड इतना ही रहता है, लेकिन सैटरडे संडे में क्राउड और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोबारा घुमाया।